ईद उल फितर की वजह शराफत तो देखिए, हर साल आए और आके सबको गले से लगाए। ईद दुनिया भर में मुस्लिमों द्वारा मनाया जाने वाला एक खुशनुमा दिन है। इस दिन लोग अपने अजीज और करीबियों को गले लगाकर मुबारकबाद तो देते ही हैं, साथ ही ढेरों जायकेदार पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं। ईद जब भी आती है फिर साल भर का इंतजार दे जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ईद का असल नाम क्या है और सबसे पहले ईद किसने मनाई थी? तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ईद का असली नाम क्या है। मुसलमान रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये त्यौहार यक्म शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाक कुरान पहली बार रमजान के दौरान पैगम्बर मोहम्मद के सामने प्रकट हुआ था। इस्लाम में इस त्यौहार के दौरान पांच सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। इसमें नमाज पढ़ना, हज यात्रा करना, ईमान, रोजा और जकात शामिल है। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले किसने मनाई थी। ऐसा माना जाता है कि 624 ईस्वी में पहली बार ईद मनाई गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने ईद उल फितर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। लोगों ने पैगंबर की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी और मीठी शीर बनाई। तब से बकरीद से पहले हर साल मीठी ईद मनाई जाती है। इंडिया टीवी की ओर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद।